Good morning. Good morning and welcome again to the first lecture, I guess, of electronics, right? So in this electronics, I will try to just introduce what is electronics and why we are studying electronics, right? And what actually means. कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ रहे हैं तो व्हाट इट डिफाइंस व्हाई इट डिफाइंस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी यूज्ड और अप्लाइड इन डे टू डे लाइफ राइट सो फर्स्ट वर्ड इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट इट मींस इफ यू से इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हमको बोला तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता ऐसा ऐसा ही हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स से अ जनरल लेमैन व्हाट आंसर ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव बाय मीन ऑफ से इलेक्ट्रॉनिक्स एज सच So, yeah. So, what comes in front of our mind? What is electronics? अगर ऐसा पूछा तो क्या बताओगे आप लोग electronics में क्या होता है? Change हो गया. Yes. So, what do you understand by electronics? Yes, I am not able to hear this. So, what do you understand by the word electronics? Electronics means where there is a flow of electrons in semiconductors or in vacuum. That is called as electronics. यानि general definition of electronics. तो ये definition आपके syllabus में नहीं. But मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब electronics बोलते हैं तो what it actually means. It means the flow of electrons through semiconductors or say through vacuum tubes. Right? Vacuums में से flow of electrons जब होता है, then it is called as electronics. The basic science where we are studying this. Okay, and we have equipment. We have some semiconductor devices, right? Semiconductor, say diodes, rectifiers, diodes, transistors. ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या है? Semiconductor से बनी हुई है. अभी हमारे जो processor के chips बने हुए हैं, they all are semiconductor chips. जिसमें हम लोग गेट्स यूज करते हैं ठीक है सो वी विल कम अक्रॉस दोस थिंग बट द बेसिक इज वी आर यूजिंग दिस डिवाइसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ से अप्लायंसेस व्हिच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ राइट सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स नाउ देयर आर सम मोर बेसिक टर्म्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद इलेक्ट्रॉनिक्स सम बेसिक डिवाइसेस व्हिच वी कॉल इट एज से पैसिव डिवाइसेस राइट एक्टिव डिवाइसेस और पैसिव डिवाइसेस सो पैसिव डिवाइसेस जो होते हैं अभी हम लोग पैसिव डिवाइसेस के बारे में अगर पढ़े उनके बारे में मैं आपको एक एक चीज बताते रहूंगा और साथ में आप लोग देखते भी जाएंगे उसको बिकॉज प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखना भी चाहिए जब हम लोग किसी चीज को बोलते हैं द फर्स्ट वन विच कम्स इन आवर माइंड इज द रेजिस्टेंस आई गेस आई वोंट गो इन दिस बट ठीक है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का सादा सिंपल मीनिंग होता है विच रेजिस्ट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस राइट Which resists something that is called as resistance. Now, my general definition. So, जब कभी भी हम किसी भी चीज की definition बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि उस particular word का English में मतलब क्या होता है If you understand that particular meaning of that particular word, then you will be able to define it, right? So, जब मैं सिर्फ resistance बोल रहा हूँ तो resistance का basic और general मीनिंग होता है इंग्लिश में कि वो किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा है किसी चीज को अपोज कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस राइट ये समझा गया रेजिस्टेंस नाउ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इफ यू नीड टू डिफाइन और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफ यू नीड टू डिफाइन रेजिस्टेंस नाउ दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू अपोज करंट और से इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझा गया सो इट इज गोइंग टू अपोज समथिंग राइट So the resistance is which resists the flow of current or resists the flow of electrons that it is called as resistance. ये समझा? कोई problem इसमें? Right? So it is just opposing the flow of current. That is why it is called as resistance. Now एक साधा बोल रहा हूँ. दो चीजें, दो materials मेरे पास. एक है मेरे पास copper का wire. इससे हमारा concept clear होगा. So copper का wire. एक और दूसरा है वुड राइट सो कॉपर वायर इज सपोज टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइट इसको क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर और अ कंडक्टर राइट सो कॉपर वायर इज अ कंडक्टर राइट एंड अ वुड इज अ इंसुलेटर
विच डज नॉट कंडक्ट्स, ये समझा? कॉपर वायर समझ में आया, या कोई भी आप मेटल लो इन दैट केस, तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? वेयर एज वुड, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट, यानी इसके अंदर से करंट पास नहीं होता, और कॉपर वायर में से करंट पास होता है ना, ये सादा डेफिनेशन। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉपर वायर एंड व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वुड, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज यू विल नाउ अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना? इसके लिए मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इट कंडक्ट, इट इज अ गुड कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आर नॉट अपोज्ड बाय दिस कॉपर वायर, so the resistance of this copper wire will be zero. क्या होगा, कितना होगा इसका? Zero resistance. क्योंकि इसमें से आप जितना भी करंट दे दो, एक एंड पे दे दो, दूसरे एंड पर आपको मिल जाए, है ना? बटन ऑन कर दिया, लाइट शुरू, कैसे हुआ? आपने एक साइड ऑन कर दिया, करंट फ्लोस डायरेक्टली विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट? इसीलिए इतना फास्ट एक्शन होता है, इधर बटन प्रेस नहीं किया कि उधर लाइट चल, तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है दैट इज जीरो. And in case of ode, which is supposed to be the insulator, which is supposed to be the bad conductor of electricity, the resistance of ode will be कितना होगा? इसमें से करंट पास नहीं होगा, आप यहाँ पर दे दो, उधर करंट नहीं आएगा, this is ode, है ना? तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, बराबर है? तो ये अगर ऐसा है, which we call it as this is a bad conductor of electricity, अगर ऐसा है तो वुड का रेजिस्टेंस कितना होगा इन दैट केस? वुड का रेजिस्टेंस माइनस कितना होगा? रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम बोले तो इनफाइनाइट, पूरा ही अपोज कर रहा है ना, जान ही नहीं दे रहा, तो रेजिस्टेंस विल बी इंफिनिटी. एक वायर को अगर मैंने बीच से तोड़ दिया, कॉपर का वायर, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस हो गया? सादा ही गया, सादा है, समझा? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पूछो, क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर देने के बाद. तो द क्वेश्चन इज व्हाट आई हैव डन, आई हैव ब्रेक अ वायर इनटू टू, एक दो टुकड़े कर दिए उसको, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, मैंने दो एंड से करंट पास किया, होगा क्या करंट पास? व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट. स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस? इनफाइनाइट, करंट पास ही नहीं हो रहा, ऑफ किया ना, बंद कर दिया, तो क्या हुआ? द रेजिस्टेंस इज, दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जो हम लोग सुन रहे हैं अपोज करने का, ये ठीक है, पर इसके साथ साथ ये पैरामीटर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. सो वी विल वर्क ऑन दिस रेजिस्टेंस आल्सो, वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ सम सम से, हमारे पास रेजिस्टेंसेस है कलर कोड के हिसाब से, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, सो वी विल कैलकुलेट दोस रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू द कलर कोड्स आल्सो, राइट? सो रेजिस्टेंस वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड वेयर इट इज अप्लाइड and how it works, what is the importance of resistance, right? So, ye resistance ke baare mein hum log aur baat karenge iske baad. The more things are voltage, the other things are voltage. Ya isi ko hum log kehte hai potential difference. Potential difference, yaad rakhna isko. Voltage or potential difference. ये वोल्टेज जो है ये हमेशा दो पॉइंट के बीच में लिया जाता है. ये एक वायर है, ये एक वायर है, इन दोनों वायर्स के बीच में वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करें, या अगर हमारे को मीटर लगाना है तो हम ये दो पॉइंट लगाएंगे. व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली वी आर मेजरिंग द potential difference of the electrons between these two terminals. Potential difference बोला ना? So what is potential difference? Potential difference is nothing but
the difference of potential energy of the electrons which are present over there in both the wires. So at one end, the potential energy of those electrons will be higher. At the other end, it will be slightly lower. So that's why we will be having a potential difference, and that is called as the voltage. So remember, this voltage is always measured between the two terminals. है ना? याद रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, सादे इंटरव्यूज में आपको पूछते हैं, ये सिलेबस में नहीं आएगा, सादा क्वेश्चन, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, है ना? सो वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू टर्मिनल्स, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज, राइट? एंड अनदर वन इज द करंट, सिंपल सादा. करंट की डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट. मतलब कितने स्पीड से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, से फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एक वायर में, मैं यहां पे करंट दे रहा हूं, इस वायर में जो चार्जेस है डी क्यू बाय डी टी, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कितने देर में कितने चार्जेस फ्लो हुए, दैट इज कॉल्ड एज करंट. समझ लगा, समझा? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है. सो डी क्यू बाय डी टी, सो द करंट इज मेजर्ड इन सीरीज. यहां हम लोग गिनते हैं सीरीज में, क्योंकि हमको एक वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता कर. सो द करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन सीरीज एंड वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड इन पैरेलल. पैरेलल में याद रखना, हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक, पूरे के पूरे प्रैक्टिकल्स जो भी आप लोग करोगे, वी आर गोइंग टू मेजर वोल्टेज एंड करंट इटसेल्फ, नथिंग मोर देन दैट. हमेशा हर प्रैक्टिकल, मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में आप लोग यही करने वाले, आपके फर्स्ट ईयर से और सेकेंड ईयर के. सो वी आर गोइंग टू मेजर द वोल्टेज एज वेल एज द करंट. सो वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई अ मीटर, हाउ टू अटैच अ मीटर इन अ सर्किट, where we are going to measure the voltage and where we are supposed to measure the current, right? So in that case, we are going to measure the plot the graph between V and I, voltage and current. We call them VI characteristics. So all the devices are having VI characteristics. VI matlab voltage and current characteristics. Voltage badhaya, current mein kya effect pad raha hai, uska graph. That is called as VI characteristics. Now what is the basic relation between voltage and current? And that is derived by the Ohm's law. ये पढ़ा हुआ है आपने. That is derived by Ohm's law. What Ohm's law says? At particular conditions, ideal conditions, voltage is directly proportional to current. V is directly proportional to I. ये समझा क्या? ये क्या है? दिस इज ओम्स लॉ. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड व्हेन वी टेक अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देन वी हैव वी इज इक्वल टू आई आर एंड आर वी टेक इट एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट वी डिफाइन इट एज द रेजिस्टेंस. समझ लो, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताओ. ज्यादा हो रहा है, समझ जाएगा. So this is resistance, this is voltage, this is current, right? And this is the relation between voltage, current and say the resistance. Now what is the unit of voltage? Voltage ka unit kya hoga? Volts. Sometimes we call it as V. Volts, right? Current, ampere, right? AMP or sometimes we take it as A, capital A, ampere, right? And yani bahut maximum times we will be having a current of say in the range of milliampere and microampere, not more than that. We don't work in amperes, so the current will be in microamperes or say in
मिली एम्पियर्स. Have you got this? इसका समझ लो. एम्पियर एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स. ओम्स का सिंबल ऐसा है. ओम ओम ठीक है. ये दिस इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. दिस इज अ यूनिट ऑफ करंट. दिस इज अ यूनिट ऑफ वोल्ट्स. करंट विल बी ऑलवेज इन मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर. ओम will be in kilo kilo ohms. Now there is one basic relation between this nomenclature that we are having is ye bahut important hai. Ye hamare ko samajhna chahiye. We use it regularly, we use it, but we don't understand what we are using, right? Have you heard about kilo? Ab idhar chalte kilo. Have you heard about kilo? K I बताइए. What is kilo? सुना है, बोला है, हर बार बोलते बोलते ना. क्या बोलते हम लोग बताइए, क्या बोलते हम लोग? किलो. What is kilo? Kilo is nothing but 10^3 thousand. Thousand is called as kilo. अब now kilo is used everywhere. किलोमीटर, किलोग्राम, मतलब थाउजेंड ऑफ ग्राम इज वन किलोग्राम, राइट? सो दैट इज 10^3. हैव यू गॉट दिस? किलो. सो व्हेरेवर यू विल हियर दिस वर्ड एज किलो, यू हैव टू मेंशन इट 10^3. दैट इज किलो. सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलो ओम्स, मेगा ओम्स, लाइक दैट. In the upper side, 10^3. Okay, and coming upwards, the next one is mega. That is 10^6. Then we are having giga. That is 10^9, and then we are having tera. 10^12. Heard? Megahertz. That is frequency. Gigahertz, frequency, gigabytes, 1 GB, हम लोग बोल रहे हैं 1 GB, pen drive रहता है 16 GB, what is that? 16 GB, 16 × 10^9 of bytes, 1 byte is 8 bit, वो पढ़ेंगे हम लोग डिजिटल, right? So that is giga. तेरा, अभी जो हार्ड डिस्क आ रही है टीबी में आ रही है, 1 TB, 2 TB, 13 bytes, 10^12 bytes. Frequency is always measured in this megahertz, gigahertz, terahertz. Megahertz की frequency आप देखो, computer की frequency क्या होती है ये पूछते हैं ना, maximum time हम जब जाते हैं, processor की क्या speed है, processor की क्या speed है ना, ऐसा बोलते हैं. तो gigahertz की frequency, अभी 2 GHz, 3 GHz चालू है, right? Gigahertz, that is frequency, pulses. And 1 second में उतना जा रहा है. I will tell you that also. Okay. Kilo, mega, giga, tera. This is in the on the upper side. Lower side में आते हैं. You have heard this also. Kilo के बाद आता है milli. Milli. Yes. We can go. ऐसे डेसी आता है, but ठीक है. Milli, MII. That is 10^-3. Still it is a positive number. It is not a negative number. 10^-3 मतलब 0.0001, that is milli, positive number. इसके बाद आता है milli micro, that is 10^-6. Then आता है nano, सुना है nano, 10^-9, and then है pico, 10^-12, right? Micro इसका सिंबल ऐसा है, इसका सिंबल मिली, इसका स्मॉल के, इसका कैपिटल एम, कैपिटल जी, कैपिटल टी, नैनो का स्मॉल एम, पिको का स्मॉल पी. दीज आर सिंबल्स दैट वी पुट इन फ्रंट ऑफ दैट. इवन व्हेन यू राइट किलोमीटर यू राइट स्मॉल के, इट्स नॉट बिग से
क्या बोलते उसको, वो अल्फाबेट नहीं है राइट, हायर इसमें नहीं, तो स्मॉल. सो दीज आर द टर्म्स विच वी यूज इन अ कैपेसिटर और इन करंट. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स. वी डोंट टेक करंट इन एम्पियर्स. द करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मिली एम्पियर्स और से इन दैट केस माइक्रो एम्पियर्स. करंट कम होता है, वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, वोल्ट्स में रहेगा, 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, 13 वोल्ट्स ऐसा रहेगा. इवन इन आवर एट अवर होम कितने का वो ये आता है, अराउंड 220 वोल्ट, दैट इज वोल्ट. रेजिस्टेंस किलो में जाएगा, किलो ओम्स, मेगा ओम्स. हैव यू गॉट दिस, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, समझा क्या इतना, कोई प्रॉब्लम है? ये समझ में आया, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस समझ में आया? ये बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोगों को यूज करना है, और ये बहुत सारे टर्म्स है जो हमारे को समझनी है बिफोर स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अभी शुरू करने के 2-3, 4 दिन, 5 दिन हमारा यही चलेगा, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन, बेस. अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड द बेस व्हाट वी आर स्टडिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्टडिंग राइट. सो टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वी नीड द बेस. And I guess, भी जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक का, if you just close your eyes and just recall it, कि क्या पढ़ाया आज सर ने, तो आपको ये याद हो जाएगा. You won't be requiring any notes to write on that. है क्या? अभी बोर्ड में है सब. एक बार आग बंद करके सोच लो बरा, क्या पढ़ाया आपको आज, सोच लो. So I guess. So I expect that type of study and that type of focus and concentration you should have while studying. And this only comes when we are physically teaching you or physically you are listening to me. Then only it is possible. On online classes, I don't guess this much is required, right? So this is what we have studied. We have studied about say resistance. We'll study this more in depth. Right, resistance, then voltage and current, and then say the units of that and how we are will be writing those units in accordance with that. Right. So I guess this much is enough for today. We'll continue from tomorrow itself. Let us see how it goes. We will be meeting again in the practicals. Yeah. So thank you very much for joining. Stay tuned to my YouTube channel. I'll be uploading more videos on my channel. Please go through my channel and like, share and subscribe my channel. Thank you very much. I have a nice day. Stay tuned. Bye. Good day.